आपको दिखाता हूँ, आज हमारे दुकान पर ऐसी कस्टमर लेडी कस्टमर आई आई है जो बहुत तेज गुस्से वाली है। ये बिल्कुल मतलब बीच से जो है इसको ऐसे फाड़ी उसको ये करो था दे रही थी, गुस्सा आया। यो ब्रो। और यहाँ देखिए, ये हमारे गांव के सारे बच्चे लोग जो है इस बारिश का पूरा मजा उठा रहे हैं। ओहो, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, आकाश यहाँ हो बा 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 बा। मैं निकल पा रहा हूँ दोस्तों घर के लिए, और रात के बज चुके हैं 8:30, और जो कि देख सकते हैं अभी तक बारिश हो ही रही है, और ये मार्केट का ये हाल है अभी। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, आज हमारे दुकान पर ऐसी कस्टमर लेडी कस्टमर आई हैं जो बहुत तेज गुस्से वाली हैं, और अभी वो कुर्ता फाड़ के लेके आई, मतलब जो कुर्ता बनाए थे हम वो फाड़ के लेके आई। आज का गुस्सा देख सकते हैं आप, ये देखो ये हमने इनको हाल ही में ये सिल के दिया है, और ये फार के ये आई आई है। ये बिल्कुल मतलब बीच से जो है इसको ऐसे फाड़ी उसको एक बार बता हैं, ये चैन कुली काहे फाड़ी हो, काहे फाड़ी सही कहता ना, क्या रीजन क्या था? फिटिंग अच्छा नहीं था क्या इसका? नहीं, सारा कुछ अच्छा था, बट हम सिलवाए थे ठंड के मौसम में सिलवाए थे। हाँ, गुस्सा को काबू करना सीखो है बुद्धू, है गुस्सा को काबू करना सीखो। अब अभी दो की जगह 400 रुपया अभी तुम्हारा खर्च होने वाला है, जो कि हम 100 रुपया मात्र जो कि 100 रुपया तुम मात्र दिए पागल, 400 रुपया खर्च होने वाला। राजा भैया इतने महान हस्ती है, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम यहाँ सारा काम यहीं से करवाती हो, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए 100 रुपया 100 रुपया में अभी गाइस ये हम इनका ये ठीक करके देंगे। सो आई है ये, अभी आधे घंटे अभी इनका काम में मेल लगेगा, और ये आधे घंटे तक अभी ये दिमाग खाएगी ये हमारा, फिर उसके बाद इसका काम जितना जल्दी हो हम उतना जल्दी करके इसको यहाँ से बाय करेंगे। सो वेल, यूँ ही बने रही हमारे साथ। वाह, बड़ा खुश होती है, बहुत लॉस लगा के जाया करती है, ये फुल डैमेज दिया करती है, ये 400 का काम 100 रुपया में ये करो, सही बात। लेकिन ये बात रेगुलर आती है यहाँ पे, इसीलिए ये इसके लिए बस, और थोड़ा बस हो गया। अब 100 रुपया गाइस, अब बने रहिए यूं ही हमारे साथ, अब और बताने क्या से क्या निकल जाएगा इसके अंदर से, ये संभानी। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 1, जो कि देख सकते हैं आप, और अभी का मौसम देखो एकदम मूसलाधार जो है, लगभग 35 मिनट से जो है बारिश यहाँ हो रही है। यहाँ अबू है, तो हम खाना खा के आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे अबू घर खाना खाने के लिए। तो वह इस बारिश में जो है भीग के चलते हैं, चेक करो गाइस ये देखो, ओए पानी ने मस्त मौसम यहाँ हो चुका है, और गाँव के सारे बच्चे लोग जो है इस बारिश का पूरा मजा उठा रहे हैं। ओ हो, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। हम घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ बा 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 बा, यहाँ देखिए ये सब सारे बच्चे लोग का यहाँ एकदम धूमधाम चल रहा है एकदम। अपने सारे बच्चे जो हैं बाहर वो सारे नहा धो रहे हैं, और हम भी अभी पहुंच चुके हैं घर, अब जाते हैं नहा धो के खा पी के, फिर उसके बाद जाएंगे दुकान। सो वेल, यहीं पर
सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, फाइनली गाइस हम लोग खाना खा चुके हैं, हम और हमारी जन्नत मिलके नहा धो के सो वेल अब यहाँ से निकलते हैं हम दुकान अपनी जन्नत को छोड़ के घर में। ओके टाटा कर दो, टाटा 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 करना सीख गई हमारी जन्नत। तो भाई दिन के बज चुके हैं दो और हम आ चुके हैं दुकान पे और अब्बू अब जाएंगे खाना खाने के लिए और बारिश जो है वो हल्की थोड़ी कम पड़ गई है और अभी अब्बू जाएंगे अपनी KTM से अभी अब्बू जाएंगे खाना खाने के लिए। गाइस ये मौसम चेक करो, ठीक है लाइट ऑन है और टाइम चेक करो, टाइम हो चुका है 6:20 और यहाँ चेक करो ये हमारा ये निकल चुका है ये नाश्ता। सो सुबह अभी हो चुके हैं शाम तो ये नाश्ता करके फिर उसके बाद अभी हम लोग देख रहे थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी Volume 3 गार्ड इस बार के वो Volume 3 में ना रॉकेट की हॉल लाइफ के बारे में मतलब इसमें दिखाया है कि रॉकेट कैसे रॉकेट बना मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ क्या सहा तो रॉकेट के लाइफ के बारे में इस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी Volume 3 में दिखाया गया है। तो वेल अभी हम लोग ये नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। मैं निकल पड़ा हूँ दोस्तों घर के लिए और रात के बज चुके हैं 8:30 और जो कि देख सकते हैं अभी तक बारिश हो ही रही है और ये मार्केट का ये हाल है अभी। तो फाइनली गाइस अभी रात के बज चुके हैं 9 और अभी हम आए हैं दुकान से और यहाँ अब्बू खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि अब्बू आज जो है हाफ टाइम के बाद से मतलब खाना खाने के बाद से फिर उसके बाद दुकान नहीं गए बिकॉज ऐसा था कि अब्बू के पास अब्बू के लिए मतलब अब्बा मतलब दुकान पर इतना काम नहीं था कि अब्बू जाते फिर काम करते तो अब्बू आज दुकान नहीं गया। तो अब्बू बताएंगे कि अब्बू क्या सोच के दुकान नहीं गया आज। काम नहीं है, जाते हैं बैठे हुए रहते हैं, चिंता बना हुआ रहता है, सोच कुछ ही काम नहीं है कैसे खा करे नहीं करे ये सब टेंशन रहता है। और ये दो तीन मंथ ना गाइस मतलब ऐसा रहा करता है कि 3 महीने बिल्कुल नल एकदम काम रहा ही नहीं करता। तो ये 3 महीने जो ना अल्लाह 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 मतलब 3 महीने जो हम लोग का जो बीतता है बरसात हुआ वाला टाइम जो तो बहुत शिद्दत से जो है हम लोग ये टाइम में काटते हैं और अभी बाकी मुँह हाथ धो चुके हैं दुकान से आके और फिर इस ब्लॉग को कहीं पे एंड करेंगे और आशा करते हैं कि आप सबों को आज की ब्लॉग हमारी अच्छी लगी होगी। तो वेल जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत सब्बा खैर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।